दोस्तों यही है वो मंदिर जो कतर देश में हिंदू भाई लोग बना के रखे हुए हैं, और इस पे भी बहुत सारे जो दोस्तों कतर में हिंदू लेबर कैसे रहते हैं, कैसा उनका किचन होता है, कैसा उनका रूम होता है, क्या उनको पूजा करने की वहां पे पाबंदी तो नहीं है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें, अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे पासपोर्ट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड तमाम तरह की जो जानकारी होती है हमारे ही चैनल पर दी जाती है। तो प्लीज अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं कि यह कतर के हिंदू लेबर के रूम में। सीधे मैं आपको वहां पर पूरा चीज दिखाने वाला हूँ, कैसा किचन है, कैसा रूम है, कैसा कैंप है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो बने रहिएगा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ सीधे आपको लेबर कैंप में, और ये जो लेबर कैंप है दो फ्लोर का है, और इसी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिश्री जितने भी देश के आदमी होते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान सभी लोग जो है एक ही कैंप के अंदर होते हैं। और इसमें जो है हिंदू जो होता है कि सोचता है कि मैं अपना अलग रूम में रहूं, मुस्लिम सोचता है कि मैं अपना अलग रूम में रहूं, ईसाई सोचता है कि मैं अपना अलग रूम रहूं, ऐसे ऐसे करके। ये देखिए ये जो है बाथरूम है, और सबको जो है कंपनी आपको एक एक बाथरूम यानी कि एक एक रूम का अलग अलग बाथरूम देती है, यानी कि ऐसे बाथरूम अभी बहुत सारे हैं इस कैंप के अंदर में। तो ये जो है सबका अलग अलग बाथरूम है, इसमें ताला मारा हुआ है, सब में ताले मारे हुए हैं, कोई किसी में दूसरे में नहीं जा सकता है, क्योंकि साफ सफाई भी अपना खुद करना पड़ता है। ये देखिए ये वॉशिंग मशीन है, और वॉशिंग मशीन जो है खराब हो गया है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मैं आपको ले चल रहा हूँ सीधे रूम के अंदर में, जो हिंदू भाई रहते हैं रूम के अंदर में, रूम के अंदर में क्या क्या व्यवस्था की है, कैसे हिंदू भाई कतर देश में रहते हैं, क्या उनका सिस्टम है। ये देख सकते हैं कि बाहर जो है कपड़ा पसरे हुए हैं, ये सब जो है ग्राउंड फ्लोर पे जो रहते हैं उनके लिए है, कि जो है ऊपर नहीं जाना चाहते पसारने के लिए तो नीचे ही कपड़ा सुखाने के लिए रख देते हैं। ये देख सकते हैं ये सब राम राम रखा है। देखिए कैंप जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है। ये देखिए ये जो है किचन है, ये मैं किचन में आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे भी हिंदू लेबर जितने भी होते हैं ये इसमें जो है अपना खाना बना सकते हैं। इसमें भी खाना बनाने में भी थोड़ा सा झंझट होता है, मुस्लिम होते हैं कि थोड़ा बीफ बना लेते हैं, हिंदू भाई थोड़ा हिचकते हैं, तो ऐसे होता है कतर देश के अंदर में। ये किचन जो है सबका एक एक चूल्हा जो है सबको अलग अलग एक एक रूम को मिला हुआ है, एक एक आदमी को नहीं मिला है, सबको अलग अलग एक एक चूल्हा मिला हुआ है एक एक रूम को। यानी कि अगर रूम में अगर 6 आदमी है तो उनको एक चूल्हा मिला हुआ है, अगर रूम में 7 आदमी है तो उनको एक ही चूल्हा मिलेगा, रूम में जितने भी आदमी रहेंगे 10 आदमी भी रहेंगे तो एक ही चूल्हा मिलेगा। तो सबको अलग अलग रूम के हिसाब से चूल्हा मिला हुआ है। ये किचन है कतर देश का। और मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे हिंदू भाई के रूम में, कि हिंदू भाई जो है अपने रूम में क्या व्यवस्था किए हैं। देखिए मैं आ चुका हूँ हिंदू भाई के रूम में। इन्होंने जो है अपने रूम के अंदर में पूजा पाठ के लिए जो भी मंदिर बनाई है उनके लिए इस रूम में जो है बना हुआ है। और ये रूम में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई पाबंदी है, कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए ये है हिंदू भाई, ये हिंदू भाई हैं, और ये जो है अपना खाना पीने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और रूम में देख लीजिए, रूम छोटा है, कोई बड़ा भी नहीं है, रूम छोटा है, लेकिन रूम के अंदर में आपको सारी सुविधाएं दी गई है, जैसे कि फ्रिज हो गया, ये देखिए फ्रिज है, ये फ्रिज में आप लोग सामान रख सकते हैं। खाना बनाने वाली जो कंपनी होती है जो खाना नहीं देती है फ्रिज जरूर देती है, क्योंकि सब्जी उब्जी आपको लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, आप एक हफ्ते के लिए लेके आते हैं। ये वाईफाई लगा हुआ है, कि वाईफाई इसलिए लगा हुआ है क्योंकि कतर देश में सिंगल सिंगल अगर सिम चलाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, इंडिया मनी में अगर बात करते हैं तो 2 से 3 हजार पड़ जाएगा। ये देखिए हिंदू भाई हैं, इन्होंने जो है कतर देश में अपना मंदिर एक छोटा सा बना के रखा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है कतर देश के अंदर में एक भी हिंदू मंदिर नहीं बनाई गई है, मतलब कि स्पेशल में कोई हिंदू मंदिर कतर देश के अंदर में नहीं है। कि आपको क्रिश्चियन मिल जाएगा, क्रिश्चियन मंदिर, क्रिश्चियन जो होता है वो मिल जाएगा, मुस्लिम जो है मस्जिद मिल जाएगा, लेकिन हिंदू के लिए मंदिर स्पेशली में कतर देश के अंदर में नहीं बनाई गई है। यही जो है छोटा सा अपना मंदिर बना के रखते हैं। और मैं आपको सीधे लेके आ गया हूँ टॉप पे। टॉप में आप देख सकते हैं कि हम लोग जहाँ पे हैं इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं इनको, ये टोटल इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे देखिए जेसीबी का जो है खराब वराब हो जाता है, तो इसको जो है मरम्मत करने के लिए, सही करने के लिए यहीं पे लेके आते हैं और यहीं पे जो है बनाया जाता है। यहाँ पे जो है आपको ज्यादातर जो है इंडस्ट्रियल एरिया में ही हिंदू लेबर को चाहे मुस्लिम को सबको अलग रखा जाता है, जैसे कि सिटी में नहीं रखा जाता है। सिटी में रहेंगे तो थोड़ा सा मतलब कि प्रॉब्लम होता है
वर्करों को भी और वहां के नागरिकों को भी, इसलिए उनको जो है अलग रखा जाता है, अलग जगह पर रखा जाता है, अलग अलग हमेशा देखिए यहाँ पर रेत रेत पूरा भरा हुआ है। तो मैंने आपको सारी चीजें इसमें दिखा दी है, बता दी है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी, सारी चीज आपको दिखा दी है कि कैसे हिंदू लेबर कतर के अंदर में रहते हैं, कैसा उनका रूम होता है, कैसा किचन है, कैसे वो लोग काम करते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है इस वीडियो में। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।